Realme ने फाइनली भारत में लॉन्च कर दिया है अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme 2 Pro, जिसका कई लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो भैया फाइनली ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये रहा मेरे पास Realme 2 Pro। तो जानेंगे भैया क्या है इस बॉक्स के अंदर, कैसा दिखता है Realme 2 Pro, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइस। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं फ़ोन के फर्स्ट लुक पे, उसके बाद हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले आप करते हैं हम Realme 2 Pro की अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ये Realme 2 Pro का बॉक्स है, तो यहाँ पर बैक साइड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ये एक रिव्यू यूनिट है, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ज़्यादा नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोन है आपको तीन वेरिएंट में मिलेगा, एक मिलेगा 4GB रैम, दूसरा होगा 6GB रैम और तीसरा होगा 8GB रैम। तो यहाँ पर मेरे पास 8GB रैम वाला वेरिएंट है। तो तीनों वेरिएंट का जो भी प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले ओपन करते हैं। तो ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की साइड ये देखिए बॉक्स मिला है Realme का। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और उसके बाद अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर अंदर के साइड आपको ये यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है और ये Realme 2 Pro के लिए ये केस दिया गया है, कवर दिया गया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में हमें Realme 2 Pro फ़ोन दिया गया है, तो चलिए इसे हटा लेते हैं। वाओ, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और सॉलिड लग रहा है। तो ये है हमारा Realme 2 Pro, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पर बॉक्स में सबसे पहले आपको ये अडैप्टर दिया गया है, चार्जिंग अडैप्टर, जो कि स्टैंडर्ड चार्जिंग अडैप्टर है, जिसका जो आउटपुट है वो है 5V 2A। उसके बाद यहाँ पर आपको ये नॉर्मल USB केबल दिया गया है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो चलिए इसे भी साइड में रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर फ़ोन को सबसे पहले कर लेते हैं बूट। तो ये हमने फ़ोन को बूट कर लिया है, तो चलिए जल्दी से इसे सेटअप कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फ़ोन है वो पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो इस फ़ोन में आपको दिया गया है 6.3 इंच का फुल HD+ ड्यू ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 90:8, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और साथ में यहाँ पर ऊपर की साइड आपको नॉच भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें फ़ोन के बैक साइड की, तो यहाँ पर बैक साइड में आपको डुअल कैमरा दिया गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। नीचे की साइड में यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया है, USB पोर्ट दिया गया है, 3.5mm जैक दिया गया है। बात करें फ़ोन की लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिया गया है वॉल्यूम बटन और ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। खास बात यह है कि ये जो सिम कार्ड स्लॉट है इसमें आपको अलग से एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पर आपको राइट साइड में पावर बटन दिया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की। तो इस फ़ोन में आपको दिया गया है बैक साइड में डुअल कैमरा 16MP का f1.7 अपर्चर के साथ, और जो सेंसर दे रखा है वो दे रखा है सोनी का IMX398। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरा दिया गया है 16MP का f2. अपर्चर के साथ, जिससे आप एक परफेक्ट सेल्फी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन में ब्यूटी मोड, साथ में यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड जैसे कई इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा अब हम बात करते हैं फ़ोन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम की। तो इस फ़ोन में आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन का 660 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और ये फ़ोन जो है आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलेगा। इसके दो और वेरिएंट है, एक है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा आप यहां पर अलग से SD कार्ड यानी मेमोरी कार्ड डाल के भी अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इन तीनों फ़ोन की जो भी प्राइस है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर फ़ोन में आपको दिया गया है कलर OS 5.2, जो कि एंड्रॉयड के 8.1 यानी ओरियो पे बेस है। साथ में यहाँ पर आपको फ़ोन में दिया गया है 3500 यानी 3500 mAh की बैटरी, AI बैटरी सेविंग फीचर के साथ, और ये जो फ़ोन है
वो डुअल 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करता है। तो ये था Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 2 Pro। अब आप बताओ कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या है आपके ओपिनियन, मतलब आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, इसका कौन सा फीचर आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा, और क्या ये जो फोन है प्राइस के हिसाब से जो भी इसमें स्पेसिफिकेशन दिया है क्या वो ठीक है। जो भी आपके ओपिनियन है इस फोन को लेके नीचे कमेंट में शेयर जरूर करना। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं यार मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।